साथियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ न है मैं मैनू तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह। बस बस अब रोना देना, देखो अभी फोटोग्राफर आने वाला है, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, अच्छी सी मुस्कुराती हुई तस्वीरें खिंचवाओ। जानती हो मैं सारे घर में तुम्हारी तस्वीरें लगाना चाहती हूँ, कमरे में, लाउंज में, सीढ़ियों पे। मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम्हारे डैडी जहाँ भी देखें हमें ऐसा लगे जैसे तुम इसी घर में हमारी नजरों के सामने हो। मामा कितना मुश्किल होता है ना एक बेटी की माँ होना, एक माँ अपने आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाती है, दिन रात सुबह शाम उसे अपने लहू से सींचती है, और जब उसे इस जिस्म के हिस्से की आदत हो जाती है तो फिर एक दिन उसे इसे खुद से जुदा करना पड़ता है। सदियों की टूटी बेलें, ऐसा ही होता है ना माँ, दिल के दरीचे लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में। काश मैं आपका बेटा होती, कभी भी आप लोगों को खुद से जुदा नहीं करती, कभी भी। लड़की हो या लड़का, माँ की तो बस ये ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे, नजरों के सामने हो या नजरों से दूर। माँ बाप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी रहें, शादाबाद रहें। और हुसैफा तो तुमसे इतना प्यार करता है, देखना तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देखो उसका नाम सुनते ही चेहरे पे कितनी रौनक आ गई। चलो यार मैं तो तैयार हो गया। ओहो ये पकड़। नहीं यार सांस अंदर कर, अभी बटन बंद नहीं हो रहा। भाई कौन सा टेलर सिलवाया इतना टाइट कर दिया। अरे नहीं यार शादी के काम, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट गेन कर लिया मैंने। हाँ हाँ अब तो तेरा जूता भी टाइट हो गया होगा क्योंकि तेरा वेट जो बढ़ गया। मुझे तो लगता है कहीं शादी की तैयारी में तूने जूता तो नहीं बदल दिया। देखो अब जो जैसा है उसे वैसे कबूल करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे तुम जैसे ग्रूमर्स की जरूरत नहीं है। आई एम ओके द वे आई एम राइट नाउ। ओके नेकी कर दरिया में डाल। हम सोच रहे थे जनाब की बारात ना लेट हो, और यहाँ तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। ये पहला दूल्हा देखा है जो अपनी शादी की तमाम तैयारियां खुद ही कर रहा है। हमारे यहाँ तो दूल्हा के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जमा रहता है, हर किसी का हाथ उसके सर की तरफ ऐसे बढ़ रहा होता है जैसे दूल्हा कम हिजाइनस ज्यादा हो। और ये पहला दूल्हा देखा है जो अपनी सेहरा बंदी की खुदी कर। फिनिश रेडी? हाँ भाई बस चूड़ियां पहन रही थी। एक तो हुज़ैफ़ा की समझ नहीं आती मुझे, उसका अपना घर है, बहन भाई सब है यहाँ, लेकिन मजाल है किसी की बात माने। भाई उन्होंने कभी मामा की नहीं सुनी तो हमारी क्या सुननी थी। वैसे
आपने एक बात नोटिस की भाई? क्या? मामा कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रहे हैं आज। मैंने उन्हें 2-3 बार छुप कर रोते हुए भी देखा है। हालांकि आज तो उन्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। ज़ैफ़ा की वजह से ही और क्या? ऐसे मौके पे हर माँ अपने बेटे के करीब रहना चाहती है, अपने अरमान पूरा करना चाहती है। लेकिन ज़ैफ़ा साहब को अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं। ये देखो कि हम घर वाले परायों की तरह शादी में जा रहे हैं। नहीं भाई, मुझे लगता है कोई और ही वजह है। इतना तो मैं भी जानती हूँ मामा को। भाई अब सोचो, में गुम रहने का वक्त नहीं है, देर हो रही है। बेटी की बारात लेके जाना है, जल्दी कर लो। एक बात प्लीज ध्यान में रखना, तुम्हें पता है मैं रातों को देर तक जगने का आदी नहीं हूँ। वहां से कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी निकल सके निकल आए। बब फारिग होके दूल्हा दुल्हन को घर छोड़ेंगे और आ जाएंगे। आपसे एक बात करनी है सुहेल। इतनी उम्र गुजर गई तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है तमीज मुझे अच्छी नहीं लगती। जो बात कर दी वो डायरेक्ट कर दिया करो, बोलो। वापसी में मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, अपनी बहू के चोंचले उठाना चाहती हूँ? ठीक है, 2-4 दिन रह लेना वहां और फिर आ जाना। लेकिन प्लीज ध्यान में रखना, घर डिस्टर्ब ना हो, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रहते। मैं 2-4 दिन की बात नहीं कर रही हूँ सुनील। तो कितने दिन की बात कर रही? हमेशा की। अब मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। बहुत कमी महसूस की है मैंने उसकी और उसने मेरी। अब जब आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, उनको मेरे जज्बाती सहारे की इतनी जरूरत नहीं रही है। अब मैं कुछ अरसा हुज़ैफ़ा को वक्त देना चाहती हूँ। तुम्हारे ख्याल में हशाम और बीनश को तुम्हारी जरूरत नहीं रही क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन हुज़ैफ़ा दूध पीता बच्चा है अभी तक और उसे तुम्हारे जज्बाती सहारे की जरूरत है। प्लीज देखो, ऐसे मौके पे जब उसकी तन्हाई को शेयर करने के लिए उसकी बीवी आ रही है, तुम वहां रह के क्या करोगी? उन दोनों को डिस्टर्ब करोगी ना? कुछ भी, मैं कुछ भी करूं सुहेल, ये आपका मसला नहीं है। मैं अब हुज़ैफ़ा के साथ ही रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। दिल मेरा तोड़ा का है ये बिछोड़ा का है, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो। जाओ, चली जाओ, जहां जाना चाहती हो चली जाओ। सारी उम्र वो मेरे लिए तरसा है सुहेल, सारी उम्र, और मैं उसके लिए। वजह आप भी जानते हैं और मैं भी। बहुत प्यार जाग रहा है ना बेटे के लिए, बहुत मांग है बेटे की मोहब्बत पर। जाओ जाओ बेटे के पास, और याद रखना 2 दिन नहीं रखेगा वो अपने घर में, हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देगा। और ये ज़हन में रखना सभी बेगम कि अगर तुम लौट के आओगी तो फिर इस घर के दरवाजे भी तुम्हें बंद मिलेंगे। तुम बेटे के घर नहीं जा रही हो, बेघर होने जा रही हो, इसलिए कि जिस घर में बहू आ जाए फिर वहां मां की कोई जगह नहीं रहती। कैसे कह दिया सुहेल आपने, कैसे कह दिया कि मेरा हुज़ैफ़ा मुझे अपने घर से निकाल बाहर करेगा? मेरा हुज़ैफ़ा, मेरा बेटा, औलाद तो माँ का मान होती है। खूने दिल से लिखी हुई दुआ, भला कोई बच्चा अपनी माँ को अपने घर से निकाल सकता है? माँ
जो पता नहीं कितने दुख सह के अपने औलाद को इस दुनिया में लाती। हशाम, मैं अब हुज़ैफ़ा के पास जा रही हूँ रहने के लिए। तुम दोनों मेरे बगैर रह लोगे ना? हरगिज़ नहीं जाऊंगा। पर जाऊं भी किस रिश्ते से? उस लड़के ने कभी मुझे बाप का दर्जा नहीं दिया और ना वो इज्जत दी। और उसकी मां ने भी साबित कर दिया है कि वो हमारे साथ महज वक्त गुजार रही थी। कभी उसने दिल से हमें अपना समझा ही नहीं। पापा प्लीज, फॉर गॉड सेक, वक्त की नजाकत को समझिए। कौन किसको क्या समझता रहा है ये डिस्कशन अभी छोड़ दें। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये बात हमसे ज्यादा उन्हें सोचनी चाहिए कि कौन सा वक्त किस बात के लिए मुनासिब है। कितनी आसानी से कह दिया कि अब लौट के इस घर में नहीं आएगी। वो अब ये कोई घर नहीं, मुसाफिर खाना है, जहां अपनी मर्जी, जरूरत और आसाइश के तहत जितना वक्त जरूरी था गुजारा, और जब अपने हालात बदल गए तो मैं कौन हूं, तू कौन? बाबा आप ज्यादती कर। मामा ने हमें सगी माँ से बढ़ के पाला, कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी सगी माँ नहीं। तो आज दिला दिया ना एहसास कि कौन सगा है और कौन सौतेला। जो सगा है लपकी उसकी तरफ भागी चली जा रही। क्या हुआ बाबा? मामा ठीक ही तो कहती हैं, सारी जिंदगी इस घर के खपानों की वजह से हुज़ैफ़ा को नजरअंदाज करती रहेंगे। आप ही का हुक्म था ना कि मुझ पे और बिनिश पे कभी हुज़ैफ़ा को तरजीह ना दी जाए। तो ऐसा ही किया उन्होंने। आज अगर वो अपने बेटे के एहसास कमतरी को खत्म करना चाहती है तो उसमें हर्ज क्या है? वो हम दोनों की वजह से हुज़ैफ़ा से दूर आई थी ना। आज अगर वो हुज़ैफ़ा के पास जाने के लिए हमसे दूर होना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है बाबा? बस 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 बंद कर दो। अब मैं समझ रहा हूँ तुम किसकी जुबान बोल रहे हो, और अगर तुम मुझे कन्विंस करना चाह रहे हो ना तो मैं कायल नहीं होऊंगा, नहीं जाऊंगा वहां। पापा आपको जाना होगा। मामा ने सारी जिंदगी आपका साथ दिया, आज उनका साथ देने की बारी आपकी है। साथ खत्म करने का ऐलान कर चुकी है वो। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने बाबा। वहां रहने से साथ टूट तो नहीं जाएगा? टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बस यार हुज़ैफ़ा क्या हुआ, कहां रह गए वो लोग? बहुत देर हो रही है यार। चलो चले यार, बस हम लोग और तेरे घर वाले। क्या फर्क पड़ता है, बात मोहब्बत और खुलूस की होती है। रिश्ते नातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर पड़ता तो अब तक वो आ चुके होते। दिल मेरा तोड़ा का है ये बिछोड़ा का है, देखूं मैं तेरी राहें, ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो। बेटा मेरी जान, इतना खूबसूरत लग रहा है दूल्हा बनकर। दुनिया की हर नेमत, हर खुशी तुम्हारे नसीब में हो। जज्बाती बातें करने की जरूरत नहीं है, चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। आंटी आप प्लीज हुज़ैफ़ा के साथ गाड़ी में बैठ। हाँ हाँ जरूर, मैं अपने बेटे के साथ बैठूंगी। चलो शोएब तुम भी निकलो, बारह तो यही बच गया। अरे यार क्यों फिक्र करते हो, भाभी ने तो आखिर यही आना है। क्यों आंटी? और क्या, बिल्कुल मेरे बेटे की तो जिंदगी समझ जाएगी। कितनी मुबारक घड़ियां हैं ये। और आपने सोचा इन मुबारक घड़ियों को जितना जाया कर सकती हैं कर लें। सॉरी बेटा, कुछ लेट हो ही गए हम लोग हमेशा की तरह। चलिए
तेरी माँ का वास्ता चुप कर जा, तुझे तेरे बाप का वास्ता चुप कर जा, तुझे खुदा का वास्ता चुप कर जा, मेरे बाप चुप। हो गया अब शौक पूरा, ला मुझे दे दो। आज मेरा बेबी मेरा बारा जान का टुकड़ा। ये क्या? ये क्या तुम्हारी गोद में जाते चुप कर गया? हाँ नहीं तो क्या, मेरी गोद में तो ऐसा रो रहा था जैसे कांटे लगे हुए मेरे अंदर। बात फूल और कांटों की थोड़ी होती है मुनीर। देखो कितना खुश हो गया। बात तो होती है माँ की खुशबू की, है ना? माँ की। अच्छा बाप में से क्या बदबू आ रही होती है? नहीं भाई, बस माँ को पहचानता है, बाकी सब अजनबी हैं। ठीक यार, मेरा बड़ा दिल करता है मैं इसके साथ बहुत खेलूं, इसको उछालूं, इसको बेड पे लिटा के इसके साथ कुश्ती खेलूं, इसको बहुत सारा प्यार करूं, कचीचियां निकालूं, लेकिन मेरी गोद में आता और रोना शुरू कर देता है। इसी वजह से तो रोने लगता है, तुम्हारे खतरनाक अजायम जो भांप लेता है। इतने छोटे बच्चे को तो बहुत नरमी से बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है। आई नो ये मौसूफ जब 25 साल के होंगे ना तब भी आप यही कह रही होंगी, मत डांटो, गुस्सा मत करो, जवान हो गया है मेरा बच्चा, बच्चों की आदतें बिगड़ जाती हैं, ब्ला ब्ला। यही तो काम है माँ का, पैदा होते ही बच्चों की वकील बन जाती है और बस सारी उम्र इनकी तरफदारी करती रहती है, है ना? अब देखो मेरे पास है ना, अब देखना कैसे। ये है मेरा बेबी। मामा, आप माँ हैं मेरी, कुछ तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। वहां रुखसती की तैयारियां हो रही हैं और आप मेहमानों की तरह यहाँ लातालुक खड़ी हैं। सॉरी बेटा, चलो। चलिए। माशाल्लाह, खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, हंसता बसता रखे, जमाने की गर्म हवा तुम्हें छू के भी ना गुजरे। जिंदगी में जिस चीज की तमन्ना करो वो तुम्हारा मुकद्दर ठहरे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस तरह से दुआएं सुनना। आप जानती हैं, मैं सुबह से बहुत उदास थी कि आज मेरी माँ मुझसे और मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊंगी, लेकिन आपसे मिलके मेरी ये सारी फीलिंग्स दूर हो गई। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी माँ फिर से मेरे करीब हो गई। जीती रहो, हम माँ के पास इस उम्र में आके तुम्हारों के अलावा रह ही क्या जाता है। अभी तो तुम्हारी जिंदगी का आगाज है, उम्मीदों का, तमन्नाओं का एक मेला लगा हुआ होगा दिल में। तुम्हारी हर उम्मीद हर तमन्ना पूरी हो जाए। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ, सुबह मुलाकात होती है। आप आज रात यहीं रुके? हाँ बेटा, यही हूँ मैं। बराबर वाला कमरा खाली है, आप आराम से सो सकती हैं। ठीक है। अब वो सुहेल साहब शाम और बीनेश बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपको। उन्हें भी बता दीजिए कि आप यहीं रुकेंगे। हाँ मैं उनको बता देती हूँ, तुम फिक्र ना करो। मामा, सानिया ने कुछ ठीक से खाया नहीं, शायद उसे भूख लगी हो। आंटी ने खाना पैक करके दिया था लेकिन
के सारे फ्रेंड्स ले गए, कुछ बना दें आप तो। अब मेरा ख्याल है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है बेटा, भूखी रहोगी क्या सारी रात? मैं ऑमलेट बना देती हूँ। ऑमलेट बनाएंगे तो मैं भी थोड़ा सा खा लूंगा। पता है मुझे कितने शौकीन हो तुम चीज ऑमलेट के, मैं अभी लेके आई। जानता हूं मैं तुम्हारी इस अकड़ी हुई गर्दन की वजह, तुम्हारे बेटे की तरक्की हो गई है ना, इसलिए तुम यूं मेरे सामने खड़ी होके मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही हो। Are you sure के मामा हमारे साथ नहीं रहेंगी? क्या चाहती हो? मैं कुछ वक्त इंडिपेंडेंटली गुजारना चाहती हूँ। अभी तो फिर तुम चल रही हो हमारे साथ अपने घर? ये घर भी मेरा ही है सुहेल। बहुत जल्दी तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखो सबिया बेगम, औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। आधा सच ये भी है, लेकिन अगर पूरा सच होता तो आप मुझसे ये ना कहते कि यहाँ से वापसी पे मुझे आपके घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। जानता हूँ मैं तुम्हारी इस अकड़ी हुई गर्दन की वजह, तुम्हारे बेटे की तरक्की हो गई है ना, बड़ा साहब बन गया है वो, इसलिए तुम यूं मेरे सामने खड़ी होके मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही हो। लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हारे बेटे के अखराजात उठाए मैंने, उसे पढ़ाया लिखाया मैंने, उसे नौकरी दिलवाई मैंने, और जिस काबिलियत पे तुम्हें मान है ना, ये काबिलियत भी मैंने ही उसे दी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुहेल, लेकिन एक लम्हे के लिए ये भी याद कीजिए कि आपके बच्चों को इतना बड़ा करने में खुदा के बाद किसका हाथ है। सौदेबाज, कमजात औरत, अफसोस हो रहा है मुझे कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए मैंने तुम जैसी औरत का इंतखाब किया। सारी जिंदगी में तुम्हारे काम आता रहा और आज तुम मुझे अपने एहसानात गिनवा रहे हो। शादी वाला घर है, प्लीज खामोश हो जाए, चले यहाँ से पापा, प्लीज चले। ऐसे बहुत जज्बाती हो गए, एक्चुअली आपको खो देने के खौफ से बहुत डिस्टर्ब हो गए, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें संभाल लूंगा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आप यहाँ रहना चाहें तो आपकी खुशी, अगर हमारे साथ रहना चाहें तो हमारा घर और दिल सब आपके लिए हाजिर है मामा। बेटा कभी भी ये ना सोचना कि मैंने तुम दोनों को हुज़ैफ़ा से कम समझा, मेरे लिए जैसा हुज़ैफ़ा है वैसे ही तुम दोनों भी। हम कभी आपसे आपकी मोहब्बत का सबूत नहीं मांगेंगे, क्योंकि सूरज से उसकी रोशनी का कोई सबूत नहीं मांगता। अपना ख्याल रखिएगा। Is everything okay? Yeah, everything is just fine. तुम कुछ खाने को लेने गए थे ना? सदियों की टूटी बेले। अरे मुझे भूख नहीं लग रही है अब। दिल के दरीचे में। तुम्हें लग रही है क्या? लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में बीते जमाने कितने। कमसात औरत, अफसोस हो रहा है मुझे
कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए मैंने तुम जैसी औरत का इंतखाब किया। सारी जिंदगी में तुम्हारे काम आता रहा और आज तुम मुझे अपने एहसानात गिनवा रहे हो। खाली हाथ ना मैनू मो इतना मैं उलझा हूँ, धड़कन है बिखरी बिखरी। ऐसे खाते कैसे खाते मेरा बीबी, मेरा गुड बॉय। ऐसे आ आ आ ए, थोड़ा चाव खा लो मेरी जान, चलो थोड़ा सा मुंह खोलो। ऐसे गुड बॉय है मेरा तो बीबी है। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हम गाना गाएंगे है ना, वो खोलो चलो। अब बस भी करो सबिया, कितना खिलाओगी इसे, ये पहले ही खा चुका है। बच्चे को ठुसा ठुसा के खिला रही हो तुम, चलो सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं मम्मी ऐसे ही खाता है, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूँ। खा लो मेरा बेबी छोटा सा जानी। अम्मी आप लोग खाना खाए ना, मैं तो अब इसको खाना खिला के ही आऊंगी। मम्मी तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आया, अभी तो तुम कह रही थी भूख लगी है भूख लगी, अब क्या हो गया? ठंडा हो जाएगा और चावल ठंडे हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। चलो शाबाश खाना खा लो चलकर। अम्मी अभी तो इसको नहलाना भी है सुलाना भी है, मैं तो उसके बाद ही खाना खाऊंगी। अब ये थोड़ी हो सकता है कि मेरा बेबी परेशान हो भूखा हो और मामा जाके खाना खा ले, है ना? बच्चे हमने भी पाले मगर आजकल की माए तबा तबा इस कदर डिवोटेड है कि बस। चलो शाबाश आ जाओ मैं जा रही हूँ। गुड बॉय, इधर देखो नानू गई ऐसे खाता मेरा शादा। ऑमलेट बहुत मजे का है ना? हाँ मामा बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हैं। आप मामा से ही पूछ लेते, उनको ही भूख लगी होगी ना? नहीं माँ भूख लगी होगी तो कुछ खा लेंगे, ये वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। मामा क्या हमारे साथ रहेंगी? नहीं नहीं मामा अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहेंगी। इसका मतलब है कि तुम काफी वक्त अकेले रहे हो। जब अकेलापन महसूस करने का वक्त था तब उनके दरमियान ज्यादा रहा ही नहीं, बस छुट्टियों में घर वापस आता था और ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता था। छुट्टियों में सुहेल साहब ने मेरे होश संभालते ही मुझे बोर्डिंग में डाल दिया था, सारी एजुकेशन बोर्डिंग्स और हॉस्टल्स में ही गुजरी। पिछले एक साल में तुम अपनी फैमिली के बारे में इतना कुछ डिस्कस नहीं करते थे, मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। खैर आर यू श्योर कि मामा हमारे साथ ही रहेंगी? क्या चाहती हो? मैं कुछ वक्त इंडिपेंडेंटली गुजारना चाहती हूँ, सिर्फ मैं और तुम बस। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता हूँ। क्या हो रहा है ये? कितनी दफा मना किया है मैंने, हैं? कि जवान लड़कियां खिड़कियों दरवाजों में नहीं खड़ी हुआ करती। जवान? अरे अम्मी क्या हो गया है तुम्हें? इस मई को पूरे 36 की हो जाऊंगी मैं, और तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो और ना इतनी जासूसी। और ये इस्ता बोल, अभी अभी तो वो रिश्ते वाली गई है, मैंने उसको तेरी उम्र 28 साल बताई है, वो फाड़ के 36 कह रही है। जब उम्र बताती हो ना तो उसकी शक्ल भी देख लिया करो, चाय का कप मुंह से लगाकर अपनी हंसी छुपा रही होती है। उस वक्त तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब वो किसी भी 55 साल के बुढ़े का रिश्ता लेकर आती है और कहती है सिर्फ 40 साल का है। अरे अल्लाह माफ कर ऐसी औलाद से, अरे कमबख्त ना मुराद, तेरी भलाई के लिए ही झूठ बोलना पड़ता है।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया बेटा, बैठ जा, चाय पिएगा? हाँ जी मम्मी। चल जा चाय बना के ला भाई के लिए, और सुन पत्ती अच्छी तरह पका लेना, जल्दबाजी में कच्ची चाय ना उतार लेना चूल्हे से। चल जा। अरे काम चोरी मत टोका करो आपा को, मत प्लीज। आपको पता नहीं है आपकी इन बातों से कितनी हसास हो गई है वो, छोटी छोटी बातें भी फील करती है। बस बस रहने दे, सारा दिन मैं भुगतती हूँ इस नामुराद को, चला है मुझे समझाने। अम्मी क्या हो गया है आपको, क्यों वो समझने लगी आप उन्हें? बोझ ही समझती हूँ मैं इसे, सारा दिन इसे देख देख के ना मेरी गर्दन टूटने लगी है। तो खुदा के वास्ते अम्मी छोड़ दे उनका पीछा प्लीज। वो आपसे ना एक बहुत जरूरी बात कर रही है। बस फिर होगा किसी लड़की बड़की का चक्कर, कान खोल के सुन ले रिजवान, रिजवाना की शादी से पहले मैं इस घर में तेरी दुल्हन नहीं लाने वाली। अम्मी प्लीज, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, सुलझी हुई भी है। बस बस रहने दे, पहले पहले सब सुलझी हुई होती हैं, अरे बाद में पता चलता है इन कमबख्तों का। अम्मी प्लीज, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, एक बार मिल तो ले, रिफाइंड है और सबसे बड़ी बात वेल ऑफ लोग हैं। पता नहीं क्या बकरा है। और देख अब रिजवाना के सामने कोई बात ना करना, अरे वो पहले ही जली भुनी बैठी है, देख लूंगी मैं तेरी अच्छी फैमिली वाली को भी। चाय ले आ, काम चोर कहीं की वहीं रह गई। सुहेल भाई आपकी लगता है तबीयत ठीक नहीं है। सब खैरियत है, सर में दर्द है, चाय बना दो। जी सबिया बाजी लगता है वापस नहीं आएंगी, बेटे ने रोक लिया होगा। अरे भाई सर दर्द से फटा जा रहा है, चाय दे दो। बातें करने के अलावा तुम औरतों को आता ही कुछ नहीं। अरे धीरज रखिए सुहेल भाई, दे रही हूँ, लीजिए। ये बिस्किट ले। अरे हटाओ मेरे, नहीं खा रहा मैं। चीनी ठीक है? हाँ ठीक ही होगी। सुहेल भाई आपकी ना तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती, अगर आप कहें तो आपका सर दबा दूं? हाँ हाँ प्लीज जरा थोड़ा सा दबा दो। जी कब वक्त ऐसा दर्द है लगता सर में किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया। आप मेरे लिए भी चाय बनाओ। पापा प्लीज इतनी टेंशन ना लें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। तुम नहीं समझोगे शाम, तुम नहीं समझ सकते। इन बातों को समझने के लिए एक वक्त एक उम्र दरकार होती है, तुम नहीं समझोगे। एक औरत के साथ एक उम्र बिताई हो, हर पल उसकी हर जरूरत हर ख्वाहिश पूरी की हो, और फिर वो किसी और के बलबूते पे यूं गर्दन नकड़ा के तुम्हें ठुकरा के चली जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तुम इतने बरसों में जिसकी इतनी हिम्मत ना हुई के नजर भर के मेरा चेहरा देख सके, वो औरत यूं मेरे मुंह पे कह के चली गई कि अब वो मजीद मेरे साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती।
कितनी तकलीफ होती है इस बात की तुम समझ नहीं सकते। आप ये ज्यादती कर रहे हैं बाबा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं वो सिर्फ हुज़ैफ़ा की वजह से ऐसा कर रही हैं। हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा, भाड़ में क्या हुज़ैफ़ा? 22 बरस हो गए इस नाम की तकरार सुनते हुए। मेरा ही हौसला था कि बर्दाश्त किया मैंने, उसे तालीम दिलवाई, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। कोई और होता तो यतीम खाने में डलवा देता कमबख्त को। मेरे एहसानों का ये बदला दिया उस मां बेटे ने। तुम नहीं जानते हैं शाम, एक आदमी को इसी उम्र में किसी औरत के जज्बाती अखलाकी और रूहानी सहारे की जरूरत होती है, और वो मुझे इसी उम्र में अकेला छोड़ के चली गई। इतना अकेला तो मैं तब भी नहीं हुआ था जब मुझे अकेला छोड़ के तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी। इतना अकेला तो मैं तब भी नहीं हुआ था। पापा, उन्हें वहां रहने की आदत नहीं है, बस कुछ दिन हुज़ैफ़ा के साथ रहेंगी, मुझे यकीन है वापस आ जाएंगे हमारे पास। My foot वापस आ जाएगी। इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है पापा, कोई जगह नहीं है उसकी इस घर में, अब वापस आ जाएगी। हाँ बेटा, आज रात वलीमे पे ज्यादा लोग आ रहे हैं क्या? नहीं मामा, ज्यादा नहीं है, बस कुछ दोस्त हैं और कुछ कॉलीग्स। चलो ये तो अच्छा है, ज्यादा झंझट नहीं होगी। हाँ, शाम से बात हुई थी मेरी, वो और बिनिश वली में पर आएंगे। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शाम बता रहा था, आपने बताया नहीं मुझे। खैर, मैं सोच रहा था कि वलीमे के बाद आप शाम के साथ वापस चली जाइए, कुछ भी है इस वक्त उन्हें जरूरत है आपकी। तुम शाम में वक्त का ख्याल रखना, कहीं देर ना हो जाए। डोंट वरी, मैं वहां टाइम पर पहुंचाऊंगी। तुम जाओगी कैसे? ऑब्वियसली मामा के साथ जाऊंगी, वो ड्राइवर को भेज देंगे कुछ देर में, फिर 5 बजे तक मैं और मामा चले जाएंगे पार्लर। तुझसे जुड़ी है मामा। बोलो। वो सानिया भी अपनी मम्मी के घर जा रही है, मैं भी कुछ काम से बाहर निकलूंगा अभी, आप यहाँ अकेले बोर ना हो जाए, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं अभी। बेटा, मैं एक दो दिन गुजारने नहीं आई हूँ तुम्हारे पास। जानता हूँ आप यहाँ एक दो रोज के लिए नहीं रह सकते, इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी ड्रॉप कर देता हूँ। मैं यहीं रहूंगी। क्या हुआ उनकी तबीयत? नहीं, वो पिछले कुछ दिनों से काफी खराब थी, मेडिसिंस भी ले रही थी और वो घर पे ही भूल गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसका वक्त, उसका पैसा, उसकी मोहब्बत, सब कुछ मेरी बेटी का होगा, कोई शेयर करने वाला नहीं होगा। अगर वो बलाए जान बनकर अगली सुबह टपक पड़ी। काश मैं आपसे दूर होता लेकिन आपका बेटा होता। शिकायत है तुम्हें मुझसे? खुदा की कसम रति पर शिकायत नहीं आपसे, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत है बस। तो इंतकाम का जज्बा जाग गया बिलाख। याद रखना, अगर उस चंद दिनों में वापस ना आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें, हो दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें, हो मैं।
जाने कोई हो।